रूपम नेवला होगा। और सुनिए रूपन, हम लोग एक क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हमको ठाकुर के बात एक ही हुई, बाप बाप नहीं बाप, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय नेवले और खरगोश का शिकार नहीं करता है, हमेशा शेर और चीते का शिकार करता है। क्षत्रिय शेर और चीते, चीता चीता नहीं तो माता का हो गया। अरे चीता नेवले पर आप निशाना लगा रखिए। हाँ दो साल देखो पूछ फटाओ। खड़ा नहीं तो अभी, अरे खरगोश होगा। चलिए आगे चलिए। आ हम लोग और आगे चलते हैं। बोलिए पर। और आगे चलते हैं ना। चलिए क्या बात है दादा, भाई और आगे भी जंगल में चलो। भैया क्या बात है दादा, हम लोग शिकार खेलते खेलते काफी दूर आ गए हैं, दादा सुबह से लेकर शाम होने वाली है, इसलिए भैया हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। सुबह से लेकर शाम हो गई है और अब तक यहाँ कोई शिकार नजर नहीं आया है, इसलिए
हम लोग वापस चलते हैं। राजा जी शिकार क्यों नहीं मिलेगा? राजा जी कोई खाली हाथ हो मैं भैया न जाओ न मैं जानता हूं कि तुम जीती हो, जिसकी चीज के लिए आप जीती करते हैं उसे आप पूरा करते हैं। आप हमारी बात नहीं मानोगे। मैं जानता हूं कि तुम मेरे शिकार किए हुए वापस नहीं जाओगे। दादा जी इसमें जीत की क्या बात है? वापस अरे बेचे तो हो कहा है? अगर ये है खाली हाथ मोहब्बत लोग कहा गए उधर पहली बार शिकार खेलने आए खाली हाथ वापस गए। अरे बड़ी बेचती महा बेचती है रूपन। अरे कौन बेचती यार फिर और थोड़े काल मारे टाइम मिले न मिले रूपन इसमें बेचती की क्या बात है? अरे हमें शिकार नहीं मिला जो कोई बात नहीं है। हम लोग सुबह शिकार खेलने के लिए फिर आएंगे। चलो चलो ठीक है भैया हम आपकी बात मानते हैं लेकिन आप हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं।
दादा जी आप क्या पूछना चाहते हैं दादा जी? सबसे पहले ये बताइए भैया कि दिशाएं कितनी होती है? दादा जी दिशाएं 10 होती है। कितनी? 10। कौन कौन सी होती है? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं। तुम बताओ भैया कि दिशाएं कितनी होती है? दादा जी दिशाएं 4 होती है। कौन कौन सी होती है? दादा जी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। शाबाश शाबाश। आपकी बात सतह की दिशाएं जा रहे हैं लेकिन उधर पूरब जाना पश्चिम जाना उत्तर जाना लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ कार्यक्रम तुम्हें नहीं जाना है। हमारी बात को हमेशा ध्यान में रखना कि तीन दिशाओं में तुम्हें शिकार खेलना है लेकिन दक्षिण दिशा में शिकार खेलने के लिए तुम्हें नहीं जाना है। और हाँ हम अपने छोटे भाई को तुम्हारी जिम्मे छोड़ कर जा रहा हूँ। हमारे भाई को ध्यान रखना और सूर्य अस्त होने से पहले शिकार खेल कर राजमहल पे वापस आ। रुपन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो का गिराए के मेरे गिराए मोबाइल में भाग कर जाएगा। अगर एक गाल पर तमाचा मारता है तो उसकी तरफ दूसरा भी गाल कर देना। अरे मार लो हम मरवा से लेकिन झगड़ा नहीं करना। झगड़ा नहीं करूंगा। कोई एक बात कहता है तो का 10 बार सुनने की क्षमता रखूंगा। हां रुपन कोई अगर एक बात कहता है तो उसे कुछ मत कहना। अरे सुन लेना उसकी सारी बातें मत करना। मैं चल रहा हूँ रुपन ध्यान रखना। ड्यूटीवान तुम लोग हमारे साथ चलो ध्यान रखना भैया। सूर्य अस्त होने से पहले आप लोग राजमहल में उपस्थित हो जाना नहीं तो हमारा जो दिमाग आप लोगों पर लगा रहेगा। दादाजी ने जहाँ बताया है दादाजी बताए लेकिन पूरब जाना पश्चिम जाना उत्तर जाना दक्षिण नहीं जाना। हाँ क्यों सारा शिकार तो दक्षिणे में घुसा पड़ा। तीन दिशा तो दादा घूम गए एक दो साल जो खरीद ना देखा। हाँ क्यों नहीं दादाजी चूतिया बना दे उन्होंने कहा उधर दक्षिण की दिशा की तरफ जाएंगे नहीं शिकार पाएंगे नहीं खाली हाथ वापस आएंगे। लेकिन दादाजी ने कहा है कि किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना कोई बात का है। हम लोग सती है अगर किसी ने अपनी नजर उठा कर देखा नहीं था तो मुझे अगर किसी ने हमारी तरफ नजरें उठाकर देखा तो कसम भगवान की उसे मैं जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा रूपान। लेकिन क्यों नहीं गिरा के मारा क्यों नहीं